दोस्तों रेलवे को एक पटरी से, रेलवे अगर इस आ रही है तो इसे एक पटरी से दूसरे पटरी पर जाने के लिए ये चली गई इधर और दूसरी पटरी, या फिर यहां से निकल के ये दूसरे लाइन में। तो एक लाइन से दूसरे लाइन में जो रेलवे जाती हैं उनके लिए एक इक्विपमेंट यूज होता है यहाँ पे। इसमें जो कल पिछले क्लास में हमने टंग रेल स्टॉक रेल के बारे में बताया था, इस टंग रेल को चलाने के लिए एक मशीन का यूज होता है। इस मशीन को बोलते हैं मोटर वाइड मशीन। ओके, तो आइए आज हम लोग देखते हैं इस मोटर पॉइंट मशीन में क्या क्या पार्ट्स होता है और ये कैसे कैसे काम करते हैं। ये जो सामने आप देख रहे हैं ये हमारा मोटर पॉइंट मशीन है। मोटर पॉइंट जैसा नाम से ही प्रतीत हो रहा है, उसमें एक मोटर होता है। ये मोटर है जिसको हम लोग बोलते हैं डीसी सीरीज स्प्लिट मोटर। ये क्या है? डीसी सीरीज स्प्लिट मोटर है। मोटर आप लोग इलेक्ट्रिकल में पढ़े ही हैं, दो टाइप के होते हैं, एक एसी मोटर और दूसरा डीसी मोटर। तो डीसी मोटर की जो सबसे बड़ी विशेषता होती है कि डीसी मोटर के क्वाइल के हिसाब से, इसके क्वाइल में जो टर्निंग है, टर्न्स हैं, उसके हिसाब से आप इसकी पावर को, यानी आरपीएम को, रोटेट पर मिनट आरपीएम को बढ़ा सकते हैं। जबकि एसी मोटर में उसके आरपीएम बढ़ाने के लिए आपको फ्रीक्वेंसी को बढ़ाना या घटाना पड़ेगा। ठीक है, तो डीसी मोटर को हम लोग एक कंटिन्यूअस पावर सप्लाई देके हम डायरेक्टली यूज कर सकते हैं। ये हमारे रेलवे के लिए शेप भी है। तो रेलवे अपने मोटर पॉइंट में डीसी सीरीज स्प्लिट मोटर पॉइंट को यूज करता है। ये मोटर है हमारे। अच्छा, तो ये जो पूरा असेंबली है, इस पूरा असेंबली को हम लोग बोलते हैं मोटर पॉइंट। इस पूरा असेंबली को बोलते हैं मोटर पॉइंट। क्या क्या होता है इसमें? सबसे पहली चीज तो एक ये मोटर होती है, ये एक नंबर ये मोटर है सामने। इस मोटर में ये देखिए, ये जो दिख रहे हैं आप, जिसमें से ये दो पार्ट है पॉजिटिव के लिए, ये भी पॉजिटिव और ये भी पॉजिटिव, और ये एक पार्ट बीच वाला निगेटिव रहता है। तो जब दोनों पॉजिटिव पार्ट दो अलग अलग क्वाइल से बंधे रहते हैं, जैसे मान लिया जाए आपको ये मोटर बोथ साइड मूवमेंट कर सकता है अकॉर्डिंग टू क्वाइल, क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज। इसके लिए दो अलग अलग क्वाइल है। इसमें जब फीड आप क्लॉकवाइज के लिए मूवमेंट देते हैं दैट इज द नॉर्मल, और जब एंटी क्लॉकवाइज के लिए देते हैं दिस इज द रिवर्स। तो जी ये दोनों के लिए कॉमन निगेटिव कॉमन है, इसमें पॉजिटिव अलग से आते हैं, इसमें पॉजिटिव अलग से आते हैं, और इस प्रकार से हम लोग दो पॉजिटिव और एक निगेटिव वायर लाकर इस मोटर को अपने मन के हिसाब से क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज मूव करा सकते हैं। ठीक है, दूसरा पार्ट पार्ट जो होता है वो पार्ट है ये पार्ट। इस पार्ट को हम लोग बोलते हैं दिस इज द कॉन्टैक्ट असेंबली। ये पार्ट क्या है? ये पॉइंट कॉन्टैक्ट असेंबली है कि पॉइंट अभी हमारा नॉर्मल कंडीशन का मूवमेंट हुआ है या रिवर्स कंडीशन का मूवमेंट हुआ है, ग्राउंड पोजीशन को प्रूफ करने के लिए यहाँ पर हम लोग कॉन्टैक्ट असेंबली लगाते हैं। इस कॉन्टैक्ट असेंबली में कुछ नहीं, दो चार टर्मिनल होंगे, उन टर्मिनल से वोल्टेज को हम लोग प्रूफ करते हैं फिजिकली। ठीक है, उसके बाद ये कॉन्टैक्ट है इस टर्मिनल को ऑपरेट करने के लिए, कॉन्टैक्ट असेंबली को मोटर पॉइंट के मूवमेंट के हिसाब से ऑपरेट करने के लिए ये हम लोग डिटेक्शन स्लाइड लगाते हैं, पॉइंट डिटेक्टर स्लाइड। ये छोटे स्लाइड को क्या बोलते हैं? पॉइंट डिटेक्टर स्लाइड। और इस पॉइंट में एक बार अगर ये क्लॉकवाइज मूव हुआ या एंटी क्लॉकवाइज मूव हुआ, मूव होने के बाद अगेन फिर अपने से नहीं घूमे, एक मैकेनिकल लॉक का अरेंजमेंट करते हैं। क्या करते हैं? मैकेनिकल लॉक का अरेंजमेंट करते हैं, और उस लॉक को ऑपरेट करने के लिए ये स्लाइड है। ये हमारे अंदर में एक अरेंजमेंट है जो मैकेनिकल लॉक करता है। थर्ड, इस पॉइंट के मूवमेंट के हिसाब से आपके जो टंग रेल बंधे हुए हैं इसे मूव कराने के लिए ये जो रॉड है दिस इज द पॉइंट थ्रो साइड फ्लाइट रॉड। इस रॉड के मूवमेंट से हम इस मोटर पॉइंट को मूव कराते हैं। इस पॉइंट का रॉड का मूवमेंट होता है 143 प्लस माइनस 2 mm। ओके, 143 प्लस माइनस 2 mm। ये हमारा इस मूवमेंट का, इस जो ये जो स्लाइड है थ्रो स्लाइड, इसका मूवमेंट का पोजीशन होता है हमारा। हम मूव करा के ये 143 प्लस माइनस 2 mm
थ्रो रॉड का मूवमेंट होता है, इसके मूवमेंट से हम पॉइंट का नॉर्मल या रिवर्स पोजीशन में मूव कराएंगे, लॉक मैकेनिकल लॉक स्लाइड के मूवमेंट से इसको मैकेनिकली लॉक कर देंगे, और डिटेक्टर स्लाइड के मूवमेंट से हम इलेक्ट्रिकली डिटेक्ट करेंगे कि पॉइंट नॉर्मल है या रिवर्स है। उसके लिए यहाँ पे ये डिटेक्टर का अरेंजमेंट हम लोग करते हैं, ठीक है। इसके बाद जो एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है, ये इंपॉर्टेंट चीज है, दिस इज द क्रैंक हैंडल असेंबली। क्रैंक हैंडल कुछ नहीं है, इनकेस ये मोटर पॉइंट इलेक्ट्रिकली ऑपरेट नहीं हो रहा है, इसे मैन्युअली ऑपरेट करने के लिए एक हैंडल है, इसे हम लोग यहाँ पे फंसाते हैं और मूव करा के क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज मूव करा के हम मोटर पॉइंट को मूव करेंगे। इसके मूवमेंट से थ्रो रॉड मूवमेंट होगा, पॉइंट सेट होगा। इस क्रैंक हैंडल को इलेक्ट्रिकली प्रूफ करने के लिए ये पोर्शन हमारा, ये हमारा जो पोर्शन है, इस पोर्शन से ये देख रहे हैं, ये पोर्शन से क्रैंक हैंडल कॉन्टैक्ट का प्रूविंग है कि हमारा क्रैंक हैंडल अभी मेक है या ब्रेक है, हम मैनुअल ऑपरेशन कर रहे हैं या इलेक्ट्रिकल ऑपरेशन कर रहे हैं। क्या जरूरत है इसका, इसकी जरूरत ये है कि जिस समय हम मैनुअल ऑपरेशन करने के लिए इस क्रैंक हैंडल को मूव करते हैं, उस पीरियड में इलेक्ट्रिकली ये पॉइंट ऑपरेट नहीं होना है, क्योंकि अगर इलेक्ट्रिकली भी ऑपरेट हो जाएगा तो हमारा जो बंदा यहाँ पे ऑपरेट कर रहा है वो इंजोर्ड हो सकता है, इस मूवमेंट में ये खुल जाएगी, खुल के चोट लग सकता है, इंजोर्ड होने के चांसेस हैं। तो ये, और ये जो पूरा है, दिस इज द कास्ट आयरन का हाउसिंग है जिसपे ये पूरा असेंबली को हम लोग फिट करते हैं, ठीक है। इसके बाद जो आपके पास सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि इस मोटर पॉइंट में ये वाले पोर्सन पे, ये जो पोर्सन है यहाँ पे हम लोग लगाते हैं, दिस इज द फ्रिक्शन क्लच, इसको बोलते हैं फ्रिक्शन क्लच, ये है पूरा नाम इसका, फ्रिक्शन क्लच। फ्रिक्शन क्लच में जो पार्ट्स हैं, दिस इज द मेन गियर, एक पार्ट है मेन गियर रिम जो पूरे को मूव कराता है, ये मेन गियर रिम है आपके। दूसरा पार्ट होता है स्प्रिंग लोडेड फ्रिक्शन क्लच, जो इसके मूवमेंट को अकॉर्डिंग टू, फ्रिक्शन क्लच के बारे में भी हम कभी फिर बताएंगे आपको, कि अकॉर्डिंग टू ऑब्स्ट्रक्शन करंट कंजम्पशन में कम कर दे, डीक्लच कर दे, क्लच का काम होता है फ्री कर देना मूवमेंट को, ये हमारा जो है स्प्रिंग लोडेड फ्रिक्शन क्लच उसे डीक्लच करता है। तीसरा होता है ट्रांसमिशन शाफ्ट विथ रैक पिनियन एंड रोटरी टाइप सेगमेंट लॉक पॉल, ये है हमारा ट्रांसमिशन शाफ्ट, ये हमारा ट्रांसमिशन शाफ्ट पूरा जिसमें रैक पिनियन रोटरी टाइप सेगमेंट लॉक पॉल लगा रहता है, ये पूरा का पूरा ट्रांसमिशन शाफ्ट है। उसके बाद दो डिस्क होते हैं, एक ये ड्राइव डिस्क जो बॉटम प्लेट है और एक कंट्रोल डिस्क जो टॉप प्लेट है। इतने सारे अरेंजमेंट आपके फ्रिक्शन क्लच में होते हैं। इन सारे फ्रिक्शन अरेंजमेंट के माध्यम से हम मोटर पॉइंट में जब मूवमेंट हो उस पीरियड में इसके थ्रो को अरेंज और स्ट्रोक की जो प्रेशर है उसको अरेंज यहाँ पे इस स्प्रिंग के माध्यम से कर लेते हैं। तो ये तो आपने जान लिया कि रेलवे में जो मोटर पॉइंट यूज होती है उस मोटर पॉइंट के मेन पार्ट्स क्या हैं और उसके क्या क्या काम हैं। आइए अब हम लोग देखते हैं इसे चलाने के लिए जो पैरामीटर्स हैं वो क्या क्या है और कितने टाइप के मोटर पॉइंट रेलवे जो इंडियन रेलवे में यूज होती है। आप जैसा देख रहे हैं ये हमारा इलेक्ट्रिक मोटर पॉइंट मशीन दो टाइप का, जनरली और भी होते हैं सीमेंस जे और भी आते हैं, सीमेंस है, जीआरएसई है, इसके अलावा भी पॉइंट होते हैं हमारा सीमेंस। अभी करंट समय में जो रेलवे यूज कर रही है वो दो पॉइंट यूज करती है, एक आईआरएस और दूसरा आईआरएस क्लैंप टाइप, जनरली मैक्सिमम ये पॉइंट यूज होता है। तो आइए हम लोग देखते हैं इसमें क्या क्या पैरामीटर्स हैं और क्या क्या हमें जानना है। आईआरएस जो रेलवे यूज करती है इसका जो ऑपरेटिंग नॉर्मल वर्किंग वोल्टेज कितने वोल्ट पे ये काम करेगा, नॉर्मल वर्किंग वोल्टेज 110 वोल्ट डीसी है, और आईआरएस क्लैंप टाइप का भी नॉर्मल वोल्टेज 110 वोल्ट डीसी है, मिनिमम वर्किंग वोल्टेज 60 वोल्ट डीसी है। आप 60 वोल्ट से कम वोल्ट पे दोनों मोटर पॉइंट काम नहीं करेगा, और नॉर्मल वर्किंग करंट जो है उस मोटर पॉइंट का 2 to 3 एम्प्स
और क्लेम टाइप का 3 to 5 amps, ये 3 to 5 amps रखा है, ये 2 to 3 amps होता है। स्लिपिंग करंट यानी जब आप मोटर पॉइंट में जब आप टंग रेल और स्टॉक रेल के बीच में ऑब्स्ट्रक्शन पीस डालेंगे या कुछ ऑब्स्ट्रक्शन आ जाएगा, उस पीरियड में जो करंट होगा वो 1.5 टू 2 टाइम्स ऑफ नॉर्मल करंट। अगर नॉर्मल करंट मान लिया जाए आपको 2 एम्प्स मिला है, दैट इज द 3.54 से कम, और दोनों के बीच में डिफरेंस 0.5 एम्प्स का होगा, यानी 2.5 से 2 एम्प नॉर्मल करंट था तो 2.5 टू 4 एम्प के बीच में उसको करंट मिलना, दैट इज द हेल्दी। यानी नॉर्मल करंट से 2 टाइम्स अप्रोक्स और दोनों के बीच में डिफरेंस 0.5 एम्प्स का होना है। लोअर लिमिट डिफरेंस बिटवीन नॉर्मल वर्किंग करंट एंड स्लीपिंग वर्किंग करंट शैल नॉट बी लेस देन 0.5 एम्प्स। ओके, स्ट्रोक ऑफ द पॉइंट मशीन, पॉइंट मशीन का जो मूवमेंट है, स्ट्रोक है जो आपका IRS अभी रनिंग में है 143 mm, और जो IRS क्लेम टाइप है दिस इज द 220 mm, दोनों में डिफरेंसेस है वो मैं किस दिन बताऊंगा। मिनिमम AC इम्यूनिटी लेवल, जो खरे इक्विपमेंट का AC का एक इम्यूनिटी लेवल होता है जिसे वो बर्दाश्त कर सकता है, तो मोटर पॉइंट की AC इम्यूनिटी लेवल 160 volt AC है। इतने वोल्ट AC आने पर भी वो इक्विपमेंट में कोई मूवमेंट नहीं होगा। मोड ऑफ लॉकिंग रोटरी टाइप लॉकिंग है, इसमें भी रोटरी टाइप लॉकिंग है, दिस इज द मैकेनिकल लॉकिंग इसको बोलते हैं, मैकेनिकल लॉकिंग। और दूसरा इसमें एक और अरेंजमेंट है, दिस इज द क्लैंप लॉकिंग। ये दो अरेंजमेंट क्लैंप टाइप में है, मोर सेफ्टी फीचर्स दिया हुआ है। लॉकिंग स्विच, दो लॉकिंग स्लाइड अलग अलग हैं उसमें दिए हुए, मोटर पॉइंट में हमने दिखा है, जनरली सीमेंस में एक ही में दोनों होता है, लेकिन इसमें दो मोटर पर दो है अलग अलग, नॉर्मल और रिवर्स के। जब नॉर्मल करना है अलग लॉक स्लाइड है, रिवर्स के लिए अलग है। इसके लिए दो इंडिपेंडेंट टू लॉक स्लाइड है अलग अलग, और फिजिकली जो है लॉक ओपन और क्लोज स्विच भी है। ये दो चीज इसमें अलग फीचर्स है, एक तो स्लाइड से है भी और फिजिकली लॉक ओपन और क्लोज करने का आपके पास स्विच है। ऑपरेटिंग टाइम नॉर्मली 3 से 5 सेकेंड लेता है, और IRS क्लैंप टाइप 5 से 6 सेकेंड का लेता है। ठीक है, इसके बाद आप चलेंगे फ्रिक्शन क्लच। फ्रिक्शन क्लच सेल्फ एडजस्ट है, वो एज पर अकॉर्डिंग टू ऑब्स्ट्रक्शन अपने आप को एडजस्ट कर लेता है। इस क्लैंप टाइप में भी सेम ही है। स्लीपर स्पेसिंग 710 mm का होगा, ये पिछले क्लास में हमने बताया था आपको कि जो जहां पे मोटर पॉइंट आपके बैठेंगे स्लीपर नंबर 3 और 4 इसके बीच का जो स्पेस होगा दिस इज द 710 mm, 710 mm स्लीपर स्पेसिंग होगा तो सेंटर टू सेंटर के बीच में। और क्लेम टाइप IRS का 745 mm होगा, क्लेम टाइप IRS का 745 mm स्लीपर स्पेसिंग होता है। स्नबिंग मैकेनिकल है, इसका भी स्नबिंग मैकेनिकल है। कॉन्टैक्ट और नॉर्मल एंड रिवर्स लाइट में इसमें भी 4 है, इसमें भी 4 है, दो जो ग्रुप कॉन्टैक्टर रिले होते हैं, सॉरी कॉन्टैक्ट अरेंजमेंट होता है, 4 4, इसमें भी 4 4, दोनों के नॉर्मल रिवर्स साइड में 4 4 कॉन्टैक्ट अरेंजमेंट होते हैं। ये थे आपके ओवरव्यू इलेक्ट्रिक पॉइंट मशीन, रेलवे में यूज होने वाले मोटर पॉइंट मशीन का। इतने सारे डाटा रखने के याद रखने के बाद हमें नहीं लगता है कि शायद कोई परेशानी आएगी, और बने रहिए आप अपने YouTube चैनल CM झा अकेडमी में CM झा सर के साथ। आपको ऐसे ही समय समय पे बहुत सारे वीडियोस मिलते रहेंगे। सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को अब भी सब्सक्राइब करिए, और लाइक करिए, दोस्तों में शेयर करना मत भूलिएगा। धन्यवाद, फिर मिलते हैं अगली क्लास में अगली वीडियोस लेके और कुछ नई टेक्निकल चीज़।